हमारा आज का वर्ड ऑफ द डे रिलेटेड है क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए डिसाइड होने वाले नेक्स्ट हेड कोच से। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का वर्ड ऑफ द डे क्या है। डिक्टेट, इसको हम हिंदी में अलोकप्रिय और कड़ा आदेश कहते हैं। इंग्लिश में आप इस वर्ड को नाउन और हिंदी में संज्ञा की तरह यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इंग्लिश में इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। एन ऑर्डर और डिक्री इम्पोज्ड बाय समवन इन पावर विदाउट पॉपुलर कंसेंट। अब हम देख लेते हैं इस वर्ड के कुछ सिनोनिम्स या फिर इससे मिलते जुलते वर्ड्स क्या क्या हैं। डिक्री, डायरेक्टिव, एडिक्ट, कमांड एंड डिक्टेट। सिनोनिम्स के बाद देखते हैं इस वर्ड के कुछ एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट वर्ड्स क्या क्या हैं। रिक्वेस्ट, अपील एंड डिमांड। और लास्ट में हम देखते हैं इस दिए गए सेंटेंस में डिक्टेट वर्ड का यूज किस तरह से किया गया है। अंशुमान गायकवाड़ said that Virat Kohli's opinion on Ravi Shastri is not a dictate for CAC. Anshuman Gaikwad ne kaha ki Ravi Shastri par Virat Kohli ki raaye CAC ke liye alokpriya aur kada aadesh nahi hai. To friends, hame comments mein batana mat bhooliye haal hi mein aapne kaun sa dictate suna tha. YouTube पर हमारे हिनखो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।